खबर आ रही है वो हम आपको पहले बता दें। जम्मू से इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है, अमरनाथ गुफा के पास बादल फटा है, हादसे में दो श्रद्धालुओं की मौत हुई है, मौके पर राहत और बचाव कार्य जारी है, पानी के तेज बहाव में तीन लंगर बहे हैं। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, अमरनाथ गुफा के पास बादल फटने की खबर आ रही है और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हादसे में दो श्रद्धालुओं की मौत की भी खबर है, मौके पर राहत और बचाव कार्य जारी है, पानी के तेज बहाव में तीन लंगर बह गए हैं। तस्वीरें आप देखिए, यहाँ पर बादल फटने की खबर है, खबर जम्मू से आ रही है, अमरनाथ गुफा के पास बादल फटा है, हादसे में दो श्रद्धालुओं की मौत हुई है। सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, मौके पर राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है, पानी के तेज बहाव में तीन लंगर बहने की खबर आ रही है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, अहम खबर है। अमरनाथ यात्रा को फिलहाल रोक दिया गया है, बादल फटने के बाद यहां पर आपको बता दें स्थिति भयानक है और इसको देखते हुए अमरनाथ यात्रा को फिलहाल रोक दिया गया है। अमरनाथ गुफा के पास बादल फटा है, हादसे में दो श्रद्धालुओं की मौत हुई है, मौके पर राहत बचाव कार्य लगातार जारी है, पानी के तेज बहाव में तीन लंगर बह गए हैं और इसके साथ ही साथ अमरनाथ यात्रा को भी फिलहाल के लिए रोक दिया गया है। एहतियात बरतते हुए अमरनाथ यात्रा को रोक दिया गया है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। अमरनाथ यात्रा जहां पर बादल फटा है, हादसे में दो श्रद्धालुओं की मौत हुई है, जम्मू से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। फिलहाल अमरनाथ यात्रा को रोक दिया गया है, तेज बहाव है पानी का और उसमें तीन लंगर के भी बहने की खबर आ रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है, मौके पर राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है, लोगों को वहां से निकालने की कोशिश लगातार की जा रही है। दो श्रद्धालुओं के मौत की खबर है, हादसे में इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अमरनाथ गुफा के पास बादल फटा है, हादसे में दो श्रद्धालुओं की मौत हुई है, मौके पर राहत बचाव कार्य लगातार जारी है, पानी के तेज बहाव में तीन लंगर बह गए हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, अहम खबर है, सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। ये अमरनाथ यात्रा फिलहाल के लिए रोक दी गई है। पानी का बहाव देखिए कितना तेज़ है, क्योंकि यहाँ पर बादल फटा है, अमरनाथ यात्रा चल रही है लेकिन उस दौरान बादल फट गया है, दो लंगर तीन लंगर बह गए हैं इस तेज बहाव में। इसके साथ ही साथ दो श्रद्धालु हैं जिनकी मौत की भी खबर निकलकर सामने आ रही है। फिलहाल अमरनाथ यात्रा को रोक दिया गया है, मौके पर राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है, हादसे में दो श्रद्धालुओं की मौत हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, अहम खबर है। 30 जून से शुरू हुई थी अमरनाथ यात्रा, फिलहाल अमरनाथ यात्रा को रोक दिया गया है, ये डीजीपी की तरफ से कहा गया है। बादल फटने से चीख पुकार आप सुन सकते हैं, अफरा तफरी का माहौल है, जाहिर सी बात है बादल फटा है, पानी का तेज बहाव है और उसमें लोग फंसे हुए हैं। अभी फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है, लोगों को निकालने की कोशिश लगातार की जा रही है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। फिलहाल अमरनाथ यात्रा को रोक दिया गया है, डीजीपी की तरफ से कहा गया है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, लगातार अहम खबर है, पानी का तेज बहाव है जिसमें दो श्रद्धालुओं की भी मौत की खबर निकलकर सामने आ रही है। फिलहाल के लिए एहतियात बरता गया है और अमरनाथ यात्रा को फिलहाल रोक दिया गया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, बादल फटने की बात की तस्वीरें हैं, जब अफरा तफरी का माहौल है, हादसे में दो श्रद्धालुओं की मौत की खबर है। ये तस्वीरें देखिए, ये अमरनाथ यात्रा की तस्वीरें हैं, श्रद्धालु जो है वो रास्ते में फंसे हुए हैं और अभी फिलहाल यात्रा को रोक दिया गया है जो कि 30 तारीख को शुरू हुई थी। डीजीपी की तरफ से बयान जारी किया गया है, फिलहाल अमरनाथ यात्रा को रोक दिया गया है। ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, बड़ी खबर है, अहम खबर हम आपको बता रहे हैं, हादसे में दो श्रद्धालुओं की मौत की खबर है। फिलहाल अमरनाथ यात्रा को रोक दिया गया है, बादल फटने के बाद अफरा तफरी मची हुई है, चीख पुकार की आवाज़ें आप सुन सकते हैं। अहम खबर है, बड़ी खबर है, सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तीन लंगर बहने की भी खबर आ रही है, बादल फटने से चीख पुकार मच गई है, तस्वीरें आपके सामने हैं, सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 30 जून से शुरू हुई थी ये यात्रा, फिलहाल अमरनाथ यात्रा को रोक दिया गया है, डीजीपी की तरफ से ये बयान जारी कर दिया गया है। तस्वीरें आप देखिए, बादल फटने के बाद का ये मंजर हम आपको दिखा रहे हैं, पानी का बहाव कितना तेज़ है वो आप इन तस्वीरों को देख कर अंदाज़ा लगा सकते हैं। सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर, बादल फटने से अफरा तफरी का माहौल है, लोग परेशान हैं, फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है प्रशासन की तरफ से, लोगों को निकालने की कोशिश जरूर की जा रही है, यहां से बचाव राहत बचाव कार्य लगातार जारी है। फिलहाल तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये 30 जून को जो यात्रा शुरू हुई थी, फिलहाल एहतियात के तौर पर यात्रा को रोक दिया गया है। पानी देखो कहां से, इधर से ये तो पानी
बादल फटने की खबर सामने आई है। अमरनाथ गुफा के पास ये बादल फटा है और ये वहीं की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तेज बहाव और इसमें तीन लंगर बहने की भी खबर निकलकर सामने आ रही है। तीन लंगर बह गए हैं, दो श्रद्धालुओं की मौत की खबर है। अमरनाथ यात्रा करने के लिए श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं, फिलहाल यात्रा को रोक दिया गया है। लोगों को वहां से हटाने की कोशिश की जा रही है, निकालने की कोशिश की जा रही है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। डीजीपी की तरफ से ये कहा गया है कि फिलहाल अमरनाथ यात्रा को रोक दिया गया है। 30 जून को ये यात्रा शुरू हुई थी, अमरनाथ यात्रा। और आज की जो खबर निकल कर आ रही है, बड़ी खबर ये है कि बादल फटने की खबर है अमरनाथ यात्रा के दौरान, और अमरनाथ गुफा के पास ये बादल फटा है। तेज बहाव है पानी का और वहां पर लोग फंसे हुए हैं, उनको निकालने की कोशिश लगातार की जा रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, लोगों को वहां से हटाने की कोशिश की जा रही है। सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अमरनाथ यात्रा के दौरान बादल फटा है, बादल फटने की खबर है और दो श्रद्धालुओं की मौत की भी खबर निकलकर सामने आ रही है। अमरनाथ गुफा के पास ये बादल फटा है और वहां पर पानी का तेज बहाव है, जिसकी तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। पानी का बहाव काफी तेज है, लोगों को वहां से निकालने की कोशिश की जा रही है। ये तस्वीरें देखिए, यहाँ पर श्रद्धालु मौजूद है और उन लोगों को, जो यात्री है, उनको वहां से हटाने की कोशिश की जा रही है। राहत और बचाव का कार्य लगातार किया जा रहा है।